विशेष समाचार, भूवैज्ञानिकों का कहना है कि आसपास के इलाकों में भूचाल आ सकता है। शहर के अफसरों का अनुरोध है कि लोग नियम मान के चलें और पुराने मकानों से दूर रहें। ये हमारी सुरक्षा के लिए है। बेकार, मैं भूचाल से नहीं डरता। ये जो जगह है ये सबसे सुरक्षित है। क्या उन्होंने नोटिस दिया है? अब ये क्या है? पारिषद श्रीमान पप्लू शर्मा की तरफ से बकवास लिखा हुआ है। जूना पुराना तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? बेकार कहीं का। हेलो, तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? इस जगह में तुमने क्या गलत देख लिया, बताओ मुझे। अच्छा, पहली बात ये है कि सारी लकड़ियाँ खराब हो चुकी हैं। हमें खेद है लखा, हमें तुमको वहाँ से अभी निकल जाने के लिए कहना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे और एक घर भी मिलेगा। तुम तो समझ ही गए होगे, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। अच्छा ठीक है, मुझे निकलना होगा। लगता है और कोई उपाय नहीं है। मैं इतने दिनों से यहाँ रहा हूँ, निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। भाई ये चाहिए नहीं है, ये मेरा चाहिए था, मुझे चाहिए था। लेकिन ये तुमने मुझे दिया है, ये एक तोहफा है। भाई शायद इतना सारा औजार लेके ये क्या कर रहा है? वो जरूर पूरा जंगल साफ करने वाला है। क्या हमें उसे रोकना होगा? ठीक है, लखा के बच्चे। अरे यारा, कहाँ जा रहे हो तुम? लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा, कुछ देर रुक जाता हूँ। क्या कहते हो, हमें मिल रहे हो? तुम तो पेड़ काटने जा रहे थे। शांति रखो यार, हमें झूठ मत बोलो, हमने तुम्हारा औजार देखा है। अरे अरे रुक जाओ वहीं पर, शांति रखो। तुम गलत समझ रहे हो, मैं पेड़ नहीं काट रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुमने सुना भाई, क्या ये जा रहा है? नहीं नहीं, ये परिषद बता रहा है, घर पुराना है और मुझे घर जाना होगा जब तक वो उसे ठीक करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बंका ले सकता हूँ? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। ठीक है, एक नया बंका। लेकिन लौका, हम नहीं चाहते कि तू चले जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है हर साल तुम्हारे घर को जो भी होता है हम ठीक करते हैं, और इसलिए आज भी वो ठीक से खड़ा है। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा घर फिर से ठीक कर सकते हैं ताकि तुम रह सको, यहाँ पे रहना बहुत ही सुरक्षित होगा तुम्हारे लिए। सही है यार, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अगर हम इसकी ठीक से मरम्मत करेंगे तो कोई खतरा भी नहीं रहेगा, और फिर मुझे वहाँ से निकलना नहीं पड़ेगा, और घर बनाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, चलो। काम खत्म, अब क्या? मैं तो थक गया। अरे लखा, तुम्हारे मुंह पे देखो क्या लगा। सब खत्म, अब उसे फोन करो। मैं लखा बोल रहा हूँ, मैंने अपने घर की मरम्मत कर दी है, आप किसी अफसर को भेजकर इसकी परीक्षा करवा लीजिए। अरे लखा, क्या हुआ, क्या कहा उसने? बोलो जल्दी। उसने बोला ये ठीक नहीं है, हमने ठीक से काम नहीं किया, घर का भी पुराना है, ये अब सब खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। काम ठीक नहीं है, ऐसे बिजली है कि तुम्हारा घर थोड़ा घटा है, कैसा लगेगा कि अगर हम साफ कर देता है? सोचने तो जरा, याद आया कि मैंने साफ तो किया था लगभग एक साल पहले। अरे भाई ठीक है, क्या कहते हो कि आप पार्टी शुरू करें? मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। चलो यार, भालू भाइयों ने बचा लिया। उसने क्या बोला, उसने क्या बोला? क्या कहा उसने, तुम रह सकते हो ना? उस अफसर ने कहा कि हम घर का कुछ भी कर लें, वो अंदर से खराब हो चुका है, उसे तोड़ना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे जाना ही होगा। क्या? क्या बिल्कुल सही नहीं है, मैं जाके उनसे बात करूंगा अभी। शांति डब्लू, हम बालू है, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। सुनो लखा, हमने सब कुछ करके देख लिया। हाँ ठीक है यारो, अलविदा।
तगड़े लक्का, ये पंखा तुम्हारी याद दिलाएगा, मुझे खुशी मिलेगी। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी यारो। ठीक है, अलविदा लक्का। अलविदा, फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि मेरे प्यारे घर, तुम भी सो जाओ। अलविदा मेरे प्यारे घर। निवासियों के लिए सूचना, चार मात्रा का भूचाल आने वाला है, कृपया हमारी चेतावनी के अनुसार अपनी जगह खाली करें, धन्यवाद। अरे बाप रे, भूचाल आ गया। अरे मैं तो गया। अरे बाप रे, मैं तो बाल बाल बच गया। अरे ये तो भयानक है, सब कुछ खत्म हो गया। ओ, मुझे जल्दी जाकर अपना घर देख लेना चाहिए। इस दरवाजे को अब क्या हो गया? अरे मैं फंस गया हूँ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, मैं गया हूँ। ये आवाज तो जैसे लक्का का बच्चा। ए लक्का, क्या हुआ? हमारा हमारे आ गए हम। उन पत्थरों की वजह से मेरा दरवाजा अटक गया है। चलो शांत रहो, मेरे दोस्त रहो मत। शुक्रिया लक्का, हम खुश है कि तुम बच गए। दोस्त मुझे लगता है भूचाल खत्म हो गया, समझ गए? मेरा घर। अरे लक्का, क्या बात है, जैसा छोड़ा था वैसा ही है। लखा, तुम तुम्हारे घर को लेकर चिंतित थे, ये बिल्कुल भी ठीक है, बहुत मजबूत है ये, समझ गए तुम? हमने इसी बराबर क्या है कि अफसर भी गलत साबित हो गया। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो अफसर आ गया। अरे बाप रे, लेकिन भूचाल तो खत्म हो गया। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, सब खत्म हो गया। लक्का को अभी भी जाना पड़ेगा भाई, है ना? चलो यहाँ से निकलते हैं छोटे। सोचो लक्का। लक्का भाई, घर पे हो? हाँ, क्या वो इस बीच निकल भी गया? रुको, कुछ करने की कोशिश मत करो। ये तो भूचाल से भी बच गया, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये मजबूत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा घर तोड़ने नहीं आया। इसलिए आए हो तुम यहाँ? शांति से बैठने तो दो। ये सही है, फिर तो तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, है ना? मैं जैसे घर को लेकर इतना झमेला कर रहा था, उन्हें ऐतिहासिक संस्था को वो घर दिखाना पड़ गया, और ये बात सामने आई कि मेरा घर एक राष्ट्रीय खजाना है। कमाल हो गया। हाँ सच में, विश्वास ही नहीं होता है ना, लेकिन यारो विशेषज्ञों का यही मानना है। और तो और वो हजार साल पुराना बोल रहे थे, और ये भी कहा कि ये हजार साल और टिकना चाहिए। कमाल हो गया, तुम्हारी तो निकल पड़ी। नहीं, ये भी कहा आज दुनिया में इस किस्म का एक ही बचा हुआ है, प्राचीन इतिहास का गवाह है ये। क्या बात है, सही है। मुझे लगता है बहुत सारे पर्यटक आएंगे इसे देखने के लिए, मैं अमीर बनने वाला हूँ। आप तुम्हारे पहला ग्राहक बनेंगे। इसे ऐसे मत हिलाओ, बहुत कीमती है, समझे? रुक जा रुक जा, क्या कर रहे हो तुम पागल हो? ये एक सांस्कृतिक शिल्पकृति है। ये तो घर है। हाँ लक्का बोल रहा हूँ। हेलो, मैं हाउसिंग अफसर बोल रहा हूँ। मेरे लिए और कोई अच्छी खबर है क्या? तुम तो मेरे अच्छे दोस्त बनते जा रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारा मतलब इस घर का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है क्या? हाँ, माफ करना, लगता है ऐतिहासिक विशेषक सोच बैठे थे कि वो दूसरे पहाड़ पे हैं। ये फिर से साधारण घर बन चुका है। ठीक है यार, कम से कम मैं यहाँ रह तो पाऊंगा। लगता है यहाँ से कुछ गायब है। मेरा फोन? अरे रुको, मुझे मेरा फोन वापस दो। वो एक तो बता।
इस मछली को देखते ही मुंह में पानी आ गया। इसमें मिर्च वाला पाउडर डालना तो भूल ही गया। अब खाने में आएगा मजा। मसालेदार खाना मुझे पसंद है। कहाँ गया वो? मिल गया मुझे। अब खाए बिना रहा नहीं जाता। अरे नहीं, बिल्ले तू मेरी मछली खा गया क्या? ये क्या कर दिया बिल्ले? तू जानता है हम दोनों मिलकर खाते हैं। मुझे मछली मिलती है और तेरे को कांटा मिलता है, लेकिन तू पूरी मछली खा गया बिल्ले। मैं तुझे देख लूंगा, तब निकलेगी मछली पेट से। पेटू बिल्ला कहीं का मजा चखाऊंगा मैं तेरे को। बेवकूफ पेटू बिल्ला मेरी मछली खा गया। बड़ा अजीब लग रहा है, मेरे जूतों में क्या है? मेरी मछली? लगता है वो शायद नीचे गिर गई थी। जरा से पहले धो लेता हूँ खाने से पहले। अरे वो बेवकूफ बिल्ला, अब मुझे दुख हो रहा है उसके लिए। हाँ याद हो रही चार से भी ज्यादा गर्मी है। भाई ने कहा था कि मैं अकेला चढ़ने भी नहीं जा सकता। उसे लगता है कि मुझे वहाँ पे कोई बचाने वाला चाहिए होगा, पर ऐसा नहीं है। हाँ, क्या बेकार की बात है। मैं तो जाना वाला चला की वहाँ करता था। मालूम है तुम्हें लगता है कि मैं अकेला चढ़ सकता हूँ? बोलो ना चरकोट। मैं तुमसे सहमत हूँ। ठीक है थोड़ी सी कसरत और चलो। एकदम सही है। पानी बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता? चलो मैं डुबकी नहीं लगाओगे तो गर्मी का मजा कैसे लाओगे? तुम बिल्ला के साथ क्यों नहीं खेल लेता है? बिल्ला? आखिरकार मैं थोड़ा सा सो सकता हूँ जब कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। इसे छेड़ने का मौका मैं जाने नहीं दे सकती। बिल्ला! अरे मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ मुझे। अरे ये तो गिर जाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें अपना वजन घटाना चाहिए। मैं तुम्हें और पकड़ के नहीं रख सकती। चिंटू बिल्ला कहाँ गया? ये कौन तो बिल्ले का है? तुम्हें क्या क्या तुम्हें लगता है कि दोनों पानी में गिर गए? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या कर सकते हैं? चलो ये कौन लगा घर में लेके जाओ और से बोलो कि बिल्ला तालाब में गिर गया, वो जल्दी से यहाँ पे आ जाए। समझ गई, अभी जाती हूँ। मैं दोनों को जब तक ढूंढता हूँ, जल्दी जाओ। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मुझे मदद चाहिए। तालाब में दुर्घटना हुई है। मदद करो। तालाब में क्या हुआ? मदद करो। अगर वो डब्लू है तो डब्लू। मुझे उसकी याद आ रही है। मुझे उस बेचारे बिल्ले पर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए। कोई तो बचाओ। बिल्ला तालाब में गिर गया है। पता नहीं क्या पक रहा है ये। मुझे तुम्हारी चटर चटर भाषा समझ में नहीं आती। अभी समझाती हूँ। ये तो बिल्ले का पट्टा है। तुम्हारा मतलब बिल्ला डूबने वाला है? सही समझे। मैं तुझे बचाने आ रहा हूँ बिल्ले। सारी गलती मेरी है, मैं उन लोगों को ढूंढता हूँ, लोग कहीं होंगे। ए भाई तैर के मेरे पास आओ, पानी बहुत गहरा है। ए भाई चिंटू और बिल्ला पानी में गिर गए। क्या लोगों के बच्चे? बिल्ले का कुछ पता चला क्या? ए पानी बहुत गहरा है, मेरा अंदर तक उन लोगों को ढूंढा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। चलो ना। ठीक है। हाँ
शुक्र है, सिर्फ समुद्री शैवाल था। डब्लू मेरी मदद करो। ये राक्षस केकड़ा तुम्हें कहा गया क्या बिल्ले? तुम अंदर हो क्या? मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है बिल्ले। अरे यार, अरे बाप रे, वो इतनी देर तक सांस रोककर जिंदा नहीं रह सकता था। मुझे माफ कर दो बिल्ले, मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। चाहते हो वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, बल्कि वो तो मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था। बिल्ले, इससे बुरा मेरे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। अरे क्यों हुआ ये मेरा प्यारा बिल्ला? चिंटू, ये सब कैसे बन गया? चिंटू, मैं तुम्हारे दादों के बारे में वैसा बोलना नहीं चाहता था। तुम इस जंगल के सबसे खूबसूरत गिलहरी थे मेरा प्यारा चिंटू। वाह, इसे कहते हैं बड़ा केकड़ा। ए भाई, वो देखो। ए चिंटू, तुम लोगों को हो क्या गया है? चिंटू, बिल्ले, अरे वाह, तू तो जिंदा है। मुझे अच्छी तरह पता था तू तो नहीं मर सकता। चिंटू, सब लोग तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमें लगा कि तुम पानी में गिर गए। पानी में गिर गई? नहीं नहीं नहीं, दरअसल ऐसा हुआ था, मुझे लगता है तुम्हें सच में वजन घटाना चाहिए। तू बच गया, मेरे लिए वही बहुत है। डब्लू, तुम नहीं जा सकते ऐसे तैरने अकेले, तुम्हारे साथ एक दोस्त होना चाहिए बचाने वाला, जरूरी है हर वक्त, समझ गए ना तुम? समझ गए? वादा करता हूँ कभी ऐसा नहीं होगा। चलो अब घर चलते हैं। ठीक है। ये डब्लू, डब्लू रुको ना, तो मुझे कुछ बोलना था तुमसे। जो तुमने किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा होगा अगर मेरे घर खाना खाने आ जाओ। क्या लगता है हम सब केकड़ा फ्राई खा सकते हैं?
ये ला। तुम मेरे से बच नहीं सकते। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो तुम दोनों हो मेरे रक्षक भालू। अरे बाप रे, फिर से तुम दोनों हमारी महारानी को सुरक्षित जगह पे लेके जाते हैं। चलो आप मुझसे बच कर दिखा दो आक्रमण। मैं संभालती हूँ जादुई प्रतिबंध। और आखिरकार वो गंदा राजा हार गया। वो गंदा राजा इतना शक्तिशाली है कि बिना औजार के दुनिया को बर्बाद कर सकता है। मुझे लगता है हमारी महारानी कमाल की है, वो सब कुछ दोबारा जिंदा कर सकती है। मैं तो आगे की कहानी सुनने के लिए बेताब हूँ। वो गंदा राजा जरूर कोई गंदा सा प्लान कर रहा होगा। उससे बदला लेने की तरकीब बनाई है। ऐसी कहानी के साथ शायद बहुत चमता है क्या। ऐसे चढ़ना कितना थकने वाला काम है। चलो लगभग पहुंच गया हूँ, मैं अब एक सही टहनी चुनूंगा। आखिरकार पहुंच ही गया। वाह, चंद्रमा तो कितना सज धज के बैठा है। मैं आज पूरी रात यहाँ बैठ के आराम कर सकता हूँ। नीचे तो बहुत गर्मी है, ऊपर हवा ठंडी है। ओह कितना सुंदर है यहाँ। अरे मेरे ऊपर से हटो। क्या हुआ उसके बाद हमें बताओ बबलू। ठीक है अब सुनो। जैसे ही वो गंदा राजा पिछली हार का गुस्सा दिल में लिए अपने गंदे इरादों के साथ वापस आया। म्याऊ। मेरे महाराज आप वापस आ गए। सोच भी नहीं सकता वो फिर से भाग गई। मेरे महाराज आप हार गए। क्या बोल रहे तुम, मैं राज करने वाला हूँ, मैं हार कैसे सकता हूँ। मुझे मुझे माफ कर दीजिए, मेरे महाराज अमर हैं। ठीक है, तुम्हें पता मुझे कौन सी बात सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है कि जब मैं जंगल को नष्ट करता हूँ वो बद्दी सी रानी जादू का इस्तेमाल करती है। मैं उसका मुकाबला कैसे करूँ और उसके वजह दो गंदे राक्षस भालू है हमेशा मुझे मारने की कोशिश करते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे महाराज गुस्सा थूक दीजिए, मैंने एक तरकीब सोची है। ओ, तो ये योजना क्या है बताओ मुझे। म्याऊ। दरअसल और फिर। अरे वाह, अब मैं उस जंगल में जाने वाला हूँ और फिर वहाँ अपना किला बनाऊंगा। ये तो कमाल हो गया यार। मैं आज तक का सबसे महान राजा बनूंगा। मेरे नाम की जय। चलो तुमसे शुरू करता हूँ। ध्यान रखो, नीचे रखो इसे। मैं तो ऐसा ही कुछ चबा रहा था। वो गंदा राजा किसी वक्त चुपके हम पे वार कर सकता है। क्या यह नामुमकिन है, याद करो हमने उसे भगा दिया था। और तो हमारे पास ये खतरनाक हथियार भी है, हम किसी से नहीं डरते हैं। माफ करना, ये ऐसा ही हो गया। ठीक है, शांति रक्षक, तुम्हें सवाल करना चाहिए। कोई है, जल्दी मदद करो, तुम्हारी मदद चाहिए। वो बेरहम बिल्ला आ गया है। वो बिल्ला तो खतरनाक राजा के लिए काम करता है, वो यहाँ क्या कर रहा है। हमें जाके देखना पड़ेगा, तुम दोनों महारानी की सुरक्षा में तैनात रहो। सर। रक्षक भालू कैसे हो तुम। मैं मेरे महाराज का संदेश वाहक हूँ, शांति के लिए आया हूँ, जंग लड़ने नहीं साहब।
तुम झूठे हो, ये लो। रुको रुको रुको, रुक जाओ, मैंने मैंने तो सच बोला है। मैं यहाँ आत्मसमर्पण करने आया हूँ। क्या आत्मसमर्पण? हाल ही में शायद मेरा वजन घट गया होगा, हवा के झोंके से ही। कौन है वहाँ पर? ये तो जबरदस्त कहानी है। वो लोग कभी सोते नहीं है क्या? क्या कर रहे हैं वो लोग? मुझे जानना होगा। आ, भाई मैं समझ गया, वो बैल है बिल्ला कोई गंदा तरकीब लेके आया होगा। हाँ, मैं भी उसके साथ सहमत हूँ। आशा करता हूँ कि रक्षक भालू उस बिल्ले की बातों में ना आए। उस बिल्ले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्ले पर भरोसा? ये लोग तो जैसे कुछ कहानी सुन रहे हैं। मुझे सोने के वक्त कहानी बहुत पसंद है, वैसे भी मुझे नींद आ रही है। लेकिन जो भी हो, वो रक्षक भालू उस बिल्ले को रानी से मिलने ले जाता है, फिर उसके बाद महारानी जी। ये तो मेरे लिए सम्मान है, मैं यहाँ मेरे महाराज की तरफ से शांति की वार्ता लेके आया हूँ। क्या? ओ, सच में? बिल्कुल सच। जंग से और कुछ नहीं होता, बस जंगल नष्ट होते हैं, लेकिन शांति हम सब के लिए खुशहाली लाएगी। म्याओ। भाई साहब आओ। मेरे महाराज ने वादा किया है कि वो भूमि के नीचे अपने राज्य में वापस चले जाएंगे और फिर कभी आपके खूबसूरत जंगल में वापस नहीं आएंगे। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? सुनो, इस पर भरोसा मत करो। सही बात है, ये जरूर कोई साजिश चलती जा रही है। रक्षक बबलू, तुम क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से इस शांति के बदले गंदे राजा को जरूर कुछ ना कुछ चाहिए होगा। ठीक कहा है बेरहम बिल्ला, तुम्हारे राजा को असल में क्या चाहिए? छोड़िए भी, आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं। मेरे महाराज का कहना है कि वो आपके साथ कुछ एक शांति समझौता करना चाहते हैं। उनकी सच्चाई के सबूत के तौर पे ये एक तोहफा कबूल कीजिए। बस इतना ही? एकदम ठीक। तुम्हारे राजा के उपहार के लिए शुक्रिया, मैं ये स्वीकार करती हूँ। शुक्रिया। इसकी खुशबू वाकई अच्छी है। मेरे महाराज इसे जिंदगी की खुशबू कहते हैं। जिंदगी की खुशबू? महारानी जी, क्या हुआ? महारानी जी, माफी चाहता हूँ, मेरी गलती है। इसे असल में कहते हैं मौत की महक। ये तुमने क्या है? महारानी जी, महारानी कैसी है वो? ओ जल्दी आपको बताइए महारानी जी। मैं ठीक हूँ, वो गंदा राजा जरूर मुझे मारना चाहता है। ये लो। लेकिन क्या? प्लीज मेरे लिए इस कली का ख्याल रखना। महारानी जी, क्या उसने अपनी सारी जादुई शक्ति उस कली में छुपा दी है? ये लो गंदे मक्कार बिल्ले। महारानी जी की तरफ से मैं बदला ले रहा हूँ। मेरे महाराज यहाँ किसी भी पल आ जाएंगे। बिल्ले, अच्छा काम किया तुमने। आप सही में आ गए। ये अच्छा नहीं है रक्षक, तुम्हें उस कली की रक्षा करनी होगी। कोशिश अच्छी थी। भाई, मेरा बिल्ला, उस भालू को रोको। रक्षक डब्लू संभाल के। डब्लू। क्या? म्याओ। मेरी काली है। आओ ले चलो मुझे। उन्हें पकड़ो, वो भाग रहे हैं। ये राजा तो बहुत हिम्मत वाला है। और वो बेरहम बिल्ला भी। डब्लू, क्या तुम बंद करोगे? और शांत। ये कहानी तो असल में बहुत अच्छी है। मुझे लगता है आज रात मुझे नींद आएगी।